टू थर्ड हिंदू था, आज 100 साल में टू थर्ड हिंदू, टू थर्ड मुस्लिम, वन थर्ड हिंदू हो गया। जवाब दीजिए, ये आपने किया है उन लोगों के साथ जिनके फोटो लगा के बैठे हैं, जो इस देश की सबसे बड़े हिंदुओं का अपमान किया था इनसाइड द पार्लियामेंट। अरे भाई वही तो मैंने कहा, आप चार्जर नहीं प्रेम कर पाए भाई, आठ साल में चार्जर नहीं प्रेम कर पाए। अब अंग्रेज आप इनसे क्या करवा लीजिए, जब मैं प्रज्ञा सिंह का जवाब देने लगता हूँ तो आप कहती है प्रज्ञा सिंह को बोलिए नहीं। और ये सीधा साधा सवाल है, आप कहाँ जा रहे हो, सीधा साधा सवाल। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर में चार्जशीट थी या नहीं, बोलो हाँ या ना, यदि पता नहीं है तो भाषण मत दीजिए। बोलिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर चार्जशीटें थी या नहीं, बोलिए हाँ या ना, कुछ पता नहीं है आगे भाषण देने लगते हैं। ओ मैडम जी, एंकर जी पूछिए क्या क्या है, 2 साल 3 साल 2.5 साल हो गए हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ क्या क्या है, वो भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप पहले बोलिए और बाद में हम बोलेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर। फिर भी पार्टी हैज नॉट एंडोर्स्ड हर स्टेटमेंट एंड पार्टी विल नॉट स्टैंड बिहाइंड हर इफ देयर इज एनी केसेस अगेंस्ट हर। आप बोलिए क्या किया है, जवाब प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ आपने क्या किया है। उन्होंने चार्जशीट नहीं दाखिल किया तो आपने क्या किया, ये उनका सवाल है ना सुधांशु जी। अब तो आप सरकार में है ना पिछले सालों से, ठीक है, अब तो आपकी सरकार चल रही है ना, अभी भी यूपीए को ही फ्रेम करना है क्या। अब मैं जवाब दे लूं, हाँ, इसके बाद अतुल जी आ रही है। अंजना जी मेरा अनुरोध ये होगा कि जब अंजना जी मेरा अनुरोध होगा, जब मनोजीत जी बोले मेरा फेडर ऑफ कर दीजिएगा, जब मैं बोलूं तो इनका ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय अब ये डिबेट में डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं बजाय तथ्य। अब मैं बता रहा हूं जो मैंने क्यों बोला था, जब 16 मई 2014 तक चार्जशीट ही नहीं थी तो कोई चार्जेस नहीं थे तो हम क्या करते भाई, जब चार्जेस ही फ्रेम नहीं थे, कोर्ट में आपके सारे चार्जेस धराशायी हो गए थे तो क्या करते भाई, केवल व्यर्थ का वितंडावाद बना के खड़ा करके रखा हुआ था जिसका कोई आधार नहीं था। मैंने राजनीतिक और कानूनी दोनों बातों का जवाब दे दिया, मगर आज जो कुछ हुआ है इस घटना ने उससे जानते हैं अंजना जी क्या साबित किया है। ये चुनाव के समय ममता जी बोली थी ना चुनावी मंच से, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दिख गया कितना चुनावी था और कितना भावनात्मक था, दिख गया कि वो सिर्फ चुनावी था। जब इनको लगा था कि हिंदू जनमानस खड़ा हो रहा है तो उसकी भावनात्मक दोहन करके मूर्ख बनाने के लिए था। अगर मां काली में रत्ती भर आस्था होती तो जैसे हमने तो माफी मांगने के बाद नूपुर शर्मा पे कार्रवाई की, इन्हें अपनी सांसद को प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं तो कम से कम सस्पेंड करना चाहिए था, वो तो छोड़िए एक कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया है। और उससे ज्यादा निर्लज्जता यह कि अपने प्रवक्ता को भेजा हुआ है कि तुम आकर उल्टी सीधी औनी पौनी इधर उधर की बातें लेकर गांधी जी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लेकर रायता फैलाकर उसको डिफेंड करने की कोशिश करो।